कोविड-19 की भी करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हैरानकुन आदादोशुमार सामने आए हैं। हैरानकुन इसलिए चूंकि इस बार वादी के मुकाबले जम्मू का एक जिला जो सरे फहरिस्त ना सिर्फ रहा, बल्कि उस अहम मजहबी मकामात पर उन मकामात पर जहां पर एक बड़ी तादाद यात्रियों की आती थी, उनमें वैष्णो देवी यात्री भी हैं और वो भी मुतासिर पाए गए बड़ी तादाद में। कोविड मामलात में पहली मरतबा जिला रियासी सरे फहरिस्त रहा है, और जहां तक कुल केसेस का ताल्लुक है तो 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सभी यात्री इस बार फहरिस्त में शामिल हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बार 89 जो यात्री थे मुख्तलिफ रियासतों के थे, कटरा पहुंचे थे, पॉजिटिव पाए गए, और एक मौत हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। 234 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं पूरी यूटी के अंदर। लद्दाख के अंदर भी मजीद 38 केसेस के साथ माहिरीन की तशवीश बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। 9 जुलाई के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि रोजाना मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 230 से ज्यादा हो गई, और पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से तशखीस के लिए जो टेस्ट हुए थे वो 51,825 टेस्ट किए गए। इनमें 89 मुसाफिरों समेत जो सारे के सारे कटरा में, जो हमने आपको बताया कि जिला रियासी सरे फहरिस्त है, श्रीनगर का रिकॉर्ड भी रियासी ने तोड़ दिया है। 234 अफराद की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। 9 जुलाई को आखिरी मरतबा ऐसा हुआ था जब 262 लोगों के पॉजिटिव केसेस आए थे, और उसके बाद से जब ग्राफ डिप होना स्टार्ट हुआ, केसेस मुसलसल नीचे आ रहे थे, उसमें अचानक से आदादोशुमार फिर से बढ़ गए। और ये पहला दिन ऐसा है यकुम दिसंबर से 2 दिसंबर के दरमियान जो ये 20-25 घंटे गुजरे हैं, इनमें 234 केसेस सामने आ गए हैं। अब सारी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो कटरा वाला मामला है जी, जहां पर कल ये तकरीबन 90 के करीब केसेस जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया जनाब यात्रा एज पर शेड्यूल चलेगी, और चूंकि स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल किया गया उसकी वजह से ये कबल अज़ वक्त पता लग गया कि ये जनाब पॉजिटिव है। अब सवाल यहाँ पर दो है। एक बात ये कही जा रही थी जनाब जो लोग भी आ रहे हैं ट्रेन के जरिए से उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा है, रेलवे स्टेशन से ही उनकी टेस्टिंग करके उन्हें आगे दिया जाने। अगर ये लोग जिन ट्रेनों से आए हैं श्री शक्ति, हेमकुंट, उत्तर संपर्क क्रांति, जम्मू मेल, अहमदाबाद स्पेशल और एक्सप्रेस की जो ये आए हैं, अगर ये सीधे कटरा भी चले गए तो दैट मीन्स कटरा स्टेशन पर इन्हें रुकना चाहिए था। ये भवन तक आ गए और भवन के बाहर वाले दरवाजे पर इनको फिर जब उनका अपना एक सेट प्रोटोकॉल है वहाँ पर इन्हें ट्रीट किया गया कि इतना पॉजिटिव है। तो ये एक पॉइंट नोट वाला मामला है, इस पर बात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं इस तरीके से लूप होल्स अगर होते रहे तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो कल ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो CEO है रमेश कुमार जी, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जो पॉजिटिव वाले लोग आए हैं इन्हें जी एज पर सेट SOP जो है उन्हें अलहदा रख दिया गया है, और अब कोशिश की जाएगी कि उन्हें लखनपुर तक लिया जाए गाड़ी में और वहाँ से इनको रवाना किया जाए अपने अपने इलाकों की ओर ताकि मजीद कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि जब आप पिछले 5 महीनों की टैली को देखेंगे तो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, और ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, जो लोग बैरूनी रियासतों से सफ़र करके आ रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का ग्राफ भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गया है। जी जी